बड़ी खबर इंदौर की सांवेर सीट से है। बीजेपी के तुलसीराम सिलावट जो है वो चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के तुलसीराम सिलावट को जनता ने पास कर दिया है और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने विजय दर्ज की है। कांग्रेस की रीना बोरासी को उन्होंने हराया है। रीना बोरासी पुराने नेता प्रेमचंद गुड्डू की बिटिया हैं। हालांकि यहाँ पिता पुत्री के बीच में विवाद है। प्रेमचंद गुड्डू और रीना बोरासी के बीच में तमाम झगड़े और विवाद सामने आते रहे हैं और गुड्डू रीना बोरासी से बिल्कुल अलग चलते हैं, परिवार एकजुट नहीं था। ये भी रीना बोरासी की हार का एक कारण हो सकता है। लेकिन जनता ने फिलहाल तुलसीराम सिलावट को विजय बना दिया है और जीत का सेहरा उनको पहना दिया है। मैं अगर आंकड़े देख पाऊँ तो आपको बताना चाहूंगा कि जो तुलसी सिलावट हैं उनको 151,048 वोट मिले हैं। 1,00,000 से ऊपर वोट मिलना कम नहीं होता। ये लोकप्रियता के जो मापदंड हैं, जो पैमाने हैं, उन पे सही साबित होता है कि किसी नेता को 1,00,000 से ज्यादा लोग चाहते हो और उसे अपना मत दें। वही रीना बोरासी को 82,194 वोट मिले हैं। 82,194 मत लेके रीना बोरासी कांग्रेस के दूसरे नंबर पे रहे। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत में कहीं कमी आ गई या तुलसी सिलावट का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है उसके सामने थोड़ी सी एक कद में कम पड़ गई रीना बोरासी, हम ये कह सकें। और फिर बीजेपी का मोदी मैजिक, बीजेपी की लाडली लहर, सब कुछ था उसमें। सिंधिया कैंप के मंत्री तुलसी सिलावट जीते हैं। तुलसी सिलावट बिना सिंधिया कैंप के कुछ भी नहीं है। सिंधिया के जो दाएं बाएं चलने वाले लोग हैं उनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर होते थे, उनमें तुलसीराम सिलावट या जो चुनाव हार गए हैं बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है गोविंद सिंह राजपूत उसमें शामिल थे। तो तुलसी सिलावट ने रीना बोरासी को हरा दिया है। रीना बोरासी ने हालांकि टक्कर देने की कोशिश की लेकिन वो कुछ कमतर साबित हुई है। बिल्कुल, तुलसीराम सिलावट बड़े नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे और सिंधिया के साथ ही उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा था। ऐसे में जब मोदी और शिवराज का जादू पूरे प्रदेश में चला है तो तुलसीराम सिलावट की जीत भी पक्की ही थी क्योंकि बड़े नेता भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया तुलसीराम सिलावट को हराने के लिए, पर तुलसीराम सिलावट की शानदार जीत हुई है और विधानसभा में अब कांग्रेस की आंखों में बहुत चुभने वाले हैं तुलसीराम सिलावट। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि सिंधिया के साथ जितने मंत्री बीजेपी में आए थे विधायक और फिर जो मंत्री बने विधायक बनने के बाद में, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि कांग्रेस का आरोप था कि सबने 35-35 करोड़ रुपए लेके बीजेपी ज्वाइन की है, तो जब ऐसे लोग जीत के आते हैं तो लगता है कि जनता इन सारी बातों को जिनके कोई सबूत नहीं होते, जो सिर्फ बातें होती हैं, उनको दरकिनार कर देती है और अपना मत अपने पसंदीदा नेता को देती है। मुझे लगता है कि तमाम सारे जो आरोप प्रत्यारोप तुलसी सिलावट या सिंधिया के साथ आने वाले नेताओं पर रहे उनमें से कुछ कांग्रेस में वापस लौट गए, कुछ पे लगे आरोप इसलिए खारिज हो गए कि जनता ने उन्हें फिर से एक बार जिता दिया है और कुछ को हरा दिया है। तो नीति क्या तय करके रखती है ये ना नेता जानते हैं ना उनकी नीयत जानती है। नीति कुछ और तय करके रखती है और वो होता रहता है। इस बार जो भाग्य है वो रीना बोरासी के साथ नहीं था, तुलसीराम सिलावट के साथ था और तुलसीराम सिलावट जो है वो जीत गए हैं। और मुझे लगता है कि जो नया मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का आकार लेगा सिंधिया खेमे के, उसमें प्रमुख मंत्री तुलसीराम सिलावट होंगे। और मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी, कौन कौन इसमें संभावित लोग जो चेहरे हैं जो नजर आएंगे उन पर हम चर्चा के दौर को जारी करेंगे। आप देखते रहें दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।